जैसे आकाश में जब तक पानी की बूंद है तो वह स्वच्छ है, निर्मल है, और जमीन में गिरी गंदी हो जाती। उसी प्रकार से जीव है भैया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही तो अंश जीव है। और महाराज इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी मुझे शंकर जी के त्रिशूल का उतना भय नहीं है जितनी ये माया को सब कोई भजे, और माधव भजन को एक बार माधव भजे तो माया चेरी हो। यदि हम माधव के गुलाम बन जाए तो माया तो हमारी गुलामी करेगी। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं कि नट कृत विकट कपट खगर आया और नट सेव कहीं व्यापे न माया। नट कृत क्या है भैया? जैसे एक जादूगर होता है ना, और जब जादूगर जादुई विद्या दिखाता है तो जो दृष्टा होते हैं, देखने वाले लोग होते हैं, कहीं नोट की गड्डी बना देगा, कहीं कुछ बना देगा, तो देखने वाले जो दृष्टा है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ में जमूड़ा होता है ना, बोलता है ना जादूगर के बोल जमूड़े, तो उस जमूड़ा जो होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वह जादूगर के जादुई विद्या को थोड़ा थोड़ा जानने लगा है, इसलिए उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जो संत हैं वो क्या है? भगवान के जमूड़े हैं। और जब संतों के चरण हम पकड़ लेंगे तो संत हमारे ऊपर कल्याण कर देंगे।